नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रुपेश एम लिकार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रक्त धातु। स्टार्ट विथ निरुक्ति। रस रंजने रागकृत च धातु, रज रंजने तेन रंजन रागवर्णयुक्त रागकृत च धातु रक्तम इति अर्थो भवति। रंजन वर्ण प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शरीर में उपस्थित रागवर्ण युक्त अर्थात लाल वर्ण प्राप्त हुई धातु को रक्त धातु इस नाम से जाना जाता है। रंजन इज अ प्रोसेस ऑफ कलर फॉर्मेशन। बॉडी कंस्टिट्यूएंट विच इज रेड इन कलर इज कॉल्ड एज रक्त धातु। नाउ पर्याय ऑफ रक्त धातु। फर्स्ट, रुधिरम अश्रुक शोणितम अस्त्रम छतजम लोहितम प्राणदा। फर्स्ट, शोणित एंड लोहित इंडिकेट रेड कलर ऑफ रक्त धातु। यह रक्त धातु के लाल वर्ण को दर्शाते हैं। अश्रुक जो पर्याय है, अश्रुक मीन्स जिस घटक का शरीर से बाहर त्याग नहीं किया जाता या त्याग करना वर्ज्य है। श्रुज मीन्स विसर्जन करना, अश्रुज मीन्स जिसका त्याग नहीं किए करना चाहिए। श्रुज मीन्स टू डिस्चार्ज और टू एब्डिकेट। दस अश्रुज और अश्रुक मीन्स दैट विच कैन नॉट बी डिस्चार्ज और एब्डिकेटेड आउट ऑफ शरीर। नेक्स्ट पर्याय इज रुधिरम। रुधिरम जिस घटक को शरीर से बाहर निकलने से रोक कर रखा जाता है अथवा जो घटक प्राणों का विनाश होने से रोकता है उसे रुधिर कहा जाता है। छतज, छतज मीन्स छत होने पर अर्थात व्रण होने पर, कोई इंजरी होने पर उससे बाहर निकलने वाला घटक। छत मीन्स इंजरी और व्रण। प्राणद, प्राणद जिस पर प्राण अवलंबन है, ऐसी धातु यह रक्त धातु है, इसीलिए इसे प्राणद कहा गया है। इसके अलावा इसे रसोद्भव और वशिष्ठ भी कहा गया है। रस उद्भव क्यों कहा गया है? क्योंकि यह रस से उत्पन्न होने वाली धातु है, रस से उत्पन्न होने वाली यह रक्त धातु है। इसी तरह इसे मांसकारी भी कहा गया है। मांसकारी क्यों कहा गया है? ड्यू टू फॉलोइंग त्रिधा परिणमन मांस धातु इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मांस धातु पोषक अंश डिराइव्ड फ्रॉम रक्त धातु। मीन्स रक्त धातु से निर्मित पोषक अंश से ही मांस धातु की निर्मिति होती है, अतः इसे मांसकारी भी कहा गया है। इसे इसी तरह वशिष्ठ भी कहा गया है, जो कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। नाउ कर्म ऑफ रक्त धातु। जीवनम श्रेष्ठ कर्म ऑफ रक्तस्य। जीवनम नाम प्राणधारणम। रक्त समस्त शरीर में संचरण करता हुआ शरीर के प्रत्येक स्तर पर प्राणों की आपूर्ति कर जीवन बनाए रखता है। यह प्राण से तात्पर्य ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से किया जा सकता है। अतः जीवन कर्म रक्त का श्रेष्ठ कर्म है। रक्त प्रोपोगेटिंग एंटायर बॉडी सप्लाइज प्राण एट एवरी लेवल एंड प्रिजर्व लाइफ। प्राण कैन बी इम्प्लीकेटेड टू ऑक्सीजन एज वेल एज अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। दस जीवन कर्म और प्रिजर्विंग लाइफ इज द सुपीरियर फंक्शन ऑफ रक्त धातु। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवयति च। फर्स्ट इज वर्ण प्रसाद। त्वचा की कांति और शरीर के अन्य अंगों जैसे नख, नेत्र, हस्त, जिह्वा आदि का वर्ण रक्त धातु के प्राकृत संचरण मात्रा व गुणों पर निर्भर करता है। लस्टर ऑफ स्किन एंड कलर ऑफ अदर बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स सच एज नेल्स, आईज, पाम्स, टंग्स डिपेंड ऑन वॉल्यूम, क्वालिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ रक्त धातु टू एवरी बॉडी पार्ट्स। देन मांस पुष्टि। मांस पुष्टि रक्त धातु से प्राप्त पोषक अंश से ही मांस धातु की निर्मिति होती है, अतः मांस पुष्टि यह रक्त धातु पर निर्भर है।
नरिशमेंट ऑफ मांस धातु इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रस धातु. नरिशमेंट ऑफ मांस धातु डिपेंड्स ऑन रक्त धातु. नेक्स्ट स्पर्श ज्ञानम. स्पर्श ज्ञानम, स्पर्श का सम्यक ज्ञान होना शरीर के उस भाग में प्राकृत रक्त संवहन व वात दोष पर निर्भर करता है. अतः स्पर्श ज्ञान भी रक्त धातु का मुख्य कर्म है. संगठन ऑफ रक्त धातु रक्तम तेजो जलात्मकम. आचार्य सुश्रुत की भानुमती टीका में रक्त को तेज जलात्मकम कहा गया है. रक्त पांच भौतिक होते हुए भी इसमें तेज व जल महाभूत का आधिक्य होता है, अतः इसे तेजो जलात्मकम कहा गया. नव प्रमाण ऑफ रस धातु. आचार्य चरक अनुसार दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते. आचार्य चरक ने रक्त धातु का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं बताया है. इसका वृद्धि और क्षय, इसकी वृद्धि क्षय लक्षणों पे ही डिपेंड करता है. उसके आधार पे ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि रस धातु की क्वांटिटी कम है या अधिक है. आचार्य सुश्रुत और आचार्य अष्टांग हृदय ने रसो जलो च देहे अस्मिन एक एक अंजलि वर्जिता, अर्थात रक्त धातु का प्रमाण 8 अंजलि ऐसा इन्होंने बताया है. उपधातु ऑफ रक्त धातु. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक रक्त धातु की उपधातु कंडरा व सिरा है. आचार्य शारंगधर के अनुसार रक्त की उपधातु रज को बताया गया है. रसात स्तन्यो ततो रक्तम अश्रुज कंडरा सिरा. अश्रुज कंडरा सिरा ऐसा चरक चिकित्सा स्थान 15 अध्याय में बताया गया है. और आचार्य शारंगधर ने क्या बताया, स्तन्य रजश्च नारी नाम काले भवति गच्छति. प्रत्येक धातु की एक एक उपधातु बताइए, उसमें रक्त धातु की उपधातु आचार्य चरक ने रज को बताया है. धातुमल ऑफ रक्त धातु. इट्टम अन्नस्य वेणमूत्रम रसस्य च कपो अश्रुज. अश्रुज पित्तम मीन्स आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय, इन तीनों में पित्त को ही रक्त धातु का धातुमल कहा गया है. नाउ रक्त वृद्धि लक्षण. मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड रक्त धातु. आचार्य सुश्रुत ने कहा है, रक्तम रक्तांग अक्षिता शिरा पूर्णत्वम च आपादयति. अष्टांग हृदय में बताया, रक्तम विसर्प प्लीह विद्रदीनम. रक्त वृद्धि में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, फर्स्ट रक्तांग. रक्तांग मीन्स शरीर अवयवों का रक्त वर्णीय होना, मुख्यतः रक्तज अवयवों का. जनरल रेडनेस ऑफ बॉडी. सेकेंड रक्त अक्षिता. रक्त अक्षिता मीन्स, अक्षिता मीन्स आई, नेत्र का रक्त वर्णीय होना. आईज बिकम ब्लड रेड ड्यू टू रक्तवाहिनियों के द्वारा नेत्र के श्वेत पटल का रक्त वर्णीय होना. वेसल्स मेकिंग द स्क्लेरा लुक रेड. उसके बाद शिरा पूर्णत्वम. शिरा पूर्णत्वम मीन्स रक्तवाहिनीय शिराओं का उठकर दिखाई देना, प्रोमिनेंट दिखाई देना और भरा हुआ महसूस होना. वेसल्स बिकम प्रोमिनेंट एंड फुल. रक्तक्षय. नाउ रक्तक्षय लक्षण. मैनिफेस्टेशन ऑफ डिक्रीज्ड रक्त धातु. रक्तक्षय लक्षण में क्या क्या बताए, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता. परुष्टा स्फुटिता म्लानाम त्वक रुक्षा रक्त रक्त संशये. त्वक पारुष्यम अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्यम च. फर्स्ट क्या है, अम्ल शिशिर प्रीति, ठंडे व अम्लीय पदार्थों की इच्छा होना. ठीक है, ठंडे व अम्लीय पदार्थों को खाने की इच्छा होना, ये रक्तक्षय का एक मुख्य लक्षण बताया गया है. इसके अलावा शिरा शैथिल्य, शिराओं में शिथिलता महसूस होना. लूजनेस ऑफ वेसल्स एंड रुक्षता, ड्राइनेस ऑफ स्किन. स्किन का
त्वचा का रुक्ष दिखाई देना, ये लक्षण रक्तक्षय की रक्तक्षय में दिखाई देते। लास्ट इज रक्तसारता लक्षण, रक्तसार व्यक्तियों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप ने बताया है। आचार्य चरक विमान स्थान में बताया गया है, कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पानी पाद तल नख ललाट मेहनम च स्निग्ध रक्तम श्रीमद् ब्रजिष्णु रक्तसारा नाम। सासारता सुखम उद्धताम मेधाम मनस्त्रित्वम सकुमारियम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम च आचष्टे। रक्तसार पुरुष के कर्ण, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओष्ठ, हाथ, पादतल, नख, ललाट आदि अवयव रक्त वर्ण और ताम्र वर्ण युक्त होते हैं, शोभा युक्त व कांति युक्त दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति सुखी, उत्तम बुद्धि वाले, मनस्वी, सुकुमार, अल्प बल वाले तथा क्लेश व उष्णता को सहन करने में असमर्थ होते हैं। सो हियर वी एंड द टॉपिक रक्त धातु, इन विच वी स्टडीड फर्स्ट निरुक्ति ऑफ रक्त धातु, पर्याय, फंक्शंस ऑफ रक्त धातु, प्रॉपर्टीज ऑफ रक्त धातु, रक्त वृद्धि लक्षण, रक्तक्षय लक्षण एंड लास्ट रक्तसार पुरुष लक्षण। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयहेतु विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मैंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।